करते हैं विश्लेषण, किस बार का यूपीटेट 2018 का पेपर कैसा आ सकता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली और पढ़ाई सही दिशा में गलत दिशा में इसका निर्णय तो 18 तारीख को 10 बजे के बाद ही हो पाएगा, किंतु फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहेंगे। अपने तरफ से जो आपने पढ़ा है मैं उम्मीद करता हूं वही परीक्षा में प्रश्न आए। तो इस बार जो प्रश्न पत्र आने की जो उम्मीद है मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे हिसाब से जो वह इस बार जो पेपर बनेगा थोड़ा सा पिछली बार की अपेक्षा लेंदी बनाएंगे, क्योंकि इस बार का जो पाठ्यक्रम है वो प्राइमरी बेसिक किताबों तक सीमित करने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि ये भर्ती प्रक्रिया रुकने ना पाए, कोई क्वेश्चन विवादित न होने पाए। इसलिए वह इस बार शिक्षण विधियों का या शिक्षा शास्त्र का समावेशन हमारे प्रश्न पत्र में ज्यादा करने का प्रयास करेंगे और प्रश्न को सीधा सीधा न पूछकर वह थोड़ा सा घुमा कर या उठा कर पूछने का प्रयास करेंगे। और बाल विकास का जो पेपर होगा इस बार हर बार की अपेक्षा थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा बड़ा होगा। और ध्यान दीजिएगा जिस पेपर में बाल विकास में या पूरे प्रश्न पत्र में यदि यह विकल्प दे इसमें से कोई नहीं तो दा संभल के उस विकल्प का चयन करेगा, लेकिन अगर यह दे उपरोक्त सभी तो आप 60% से 70% ये मानेगा प्रायिकता वह सदैव सही होता है। इसलिए अगर सभी का आ जाएगा तो 70% ये माने अगर नहीं आ रहा है तो सभी का लगाइएगा, लेकिन यदि उपयुक्त में से कोई नहीं आ रहा थोड़ा सा अपने कलम को डरा दीजिएगा कि क्या ये सही हो सकता है या नहीं। यह मेरा खुद का अनुभव है, आप इसे आजमाइएगा, अन्यथा आप कहेंगे मैंने आपके कहने पर कर दिया, मेरा प्रश्न गलत हो गया, मैंने अपना अनुभव अब तक शेयर किया। तो बाल विकास में मैंने एक बात और देखा, यदि प्रश्न आपको नहीं आए तो वही प्रश्न लगाइएगा जिसके उत्तर आपको देखने में बड़े जैसे लगते हैं, वही विकल्प ज्यादातर सही होते हैं। यह भी 60% प्रायिकता इसकी भी है। और आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बार जो पेपर होगा वह एक नए तरीके के नए पैटर्न का होगा, एक परिच्छेद देगा, उस पर 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं और या गद्यांश या पद्यांश का हिस्सा देंगे। उसके बाद व्याकरण का बोलवाला यूपीटेट में रहा है और रहेगा, क्योंकि व्याकरण यूपीटेट का बोलवाला रहा है और रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस बार साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और हिंदी में शिक्षा शास्त्र से भी क्वेश्चन इस बार ज्यादा पूछे जाएंगे हर बार की अपेक्षा, क्योंकि यह जो अच्छा हो रही है इसमें बीएड धारी को भी सम्मिलित किया गया। बीएड धारी जो है वह एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं लेकर जाते, इसलिए सरकार ये चाहेगी पेपर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि बीटीसी जो होते हैं धारी होते हैं वह एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रहण करके जाते हैं जबकि बीएड धारी नहीं। इसलिए आप लोग शिक्षण विधि को और शिक्षा शास्त्र को एक बार पुनः किक रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और आगे हिंदी भाषा में आप बेहतर अंक अर्जित कर पाएंगे बाल विकास की भांति। अगला खंड आता है आपका लैंग्वेज सेकंड का, तो जो अंग्रेजी चयन के होंगे अंग्रेजी पुराने पैटर्न पे है, पुराने जैसे पेपर पूछे जाते थे उसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ से जो प्रश्न आने की जो उम्मीद है वो ज्यादातर आप लोग बेसिक किताबें और ग्रामर का बोलवाला रहा इंग्लिश में और इस बार भी रहेगा। कॉमन एरर से भी प्रश्न आते हैं और इस बार आएंगे, पैसेज देगा और इस बार हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे पोएट्री या जो आपके लेखक से साहित्य में घुस न जाए अंग्रेजी, इसलिए इस बात का भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। संस्कृत का इस बार सिलेबस में परिवर्तन हुआ है और उठा के सीक्रेट से मिला है, इस बार हो सकता है संस्कृत में व्याकरण का यूपीटेट में बोलवाना रहता है और रहेगा, लेकिन साथ ही साथ व्याकरण के इस बार साहित्य के क्वेश्चन को जोड़ा गया है और साहित्य क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है। और शिक्षण विधि संस्कृत की आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहां से ही प्रश्न को घुमाएंगे और हो सकता है शिक्षण विधि के प्रश्न इस बार हिंदी में न पूछकर संस्कृत में ही पूछे ताकि कोई प्रश्न विवादित ना हो। और संस्कृत के लिए आप लोग पहले से तैयार होंगे और मेरे हिसाब से आप संस्कृत में अच्छे अंक भी अर्जित कर सकते हैं एक बार। और इस बार क्वेश्चन की गहराई में भी तो जरूर उतरेगा, लेकिन आपको जो पैटर्न है वो पैटर्न एकदम बदला हुआ पैटर्न आपको इस बार संस्कृत का भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग संस्कृत में जरा भी डरिएगा मत, साहित्य को एक बार पुनः दोहरा लीजिएगा और एक दो गद्यांश सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको लगाने में आसानी हो जाए। और संधि से एक दो क्वेश्चन आने हैं और प्रत्यय भी पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय और उपसर्ग, बाकी चीजें तो आपको समझदार है, मुझसे ज्यादा पढ़ के तैयार होंगे। अगला आता है गणित जो मेरा विषय है, गणित में इस बार क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार जो प्रश्न है थोड़े से घुमाकर पूछे जाएंगे और जो घुमाया जाएगा वह आपको इसलिए घुमाया जाएगा देखते हैं आपकी कितनी एजिलिटी है, आप प्राथमिक बच्चे बालक जो प्राथमिक कक्षा का बालक है वो अगर आपको उलझाएगा तो कैसे आप सुलझ जाएंगे। तो वास्तव में मैथ उतना टफ तो नहीं जितना हम लोग सोचकर पहले से बैठे हैं, इसलिए
आप लोग मैथ को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कि ये बोझ जैसा है। इस बार गणित का जो प्रश्न पत्र बनेगा वह एकदम मॉडरेट प्रश्न पत्र बनेगा। यहाँ पे जो प्रश्नों का संकलन किया जाएगा वह सभी अध्यायों से मिलाकर किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार का रुख लगातार देखने को मिल रहा है क्वेश्चन सरल पूछे जाएंगे और वो प्राथमिक स्तर के किताबों से ही पूछे जाएंगे, और ताकि विवादित न हो। फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन इस बार, हर बार जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार मुझे उम्मीद है कि शिक्षा शास्त्र से, गणित के शिक्षा शास्त्र से प्रश्नों की संख्या ज्यादा पूछी जाएगी और उसको भी आप एक बार जरूर से जाते जाते देख लीजिएगा। और गणित में आप लोग तुक्का भी लगाइएगा, क्योंकि गणित प्रश्न अगर आपको विकल्प ना आए तो कुछ विकल्प आपको सेम लगते हैं, जैसे किसी विकल्प में दे दिया 75, 85 और 103, 104, तो देखेंगे 105, 105 दो तरह दिख रहा है, तो 175 और 85 तो जो दोनों प्रायिकता में क्या हो गया 50-50, तो प्रयास करिएगा आप यही विकल्प सॉल्व करने का, या तो 75 होगा या तो 85। बाकी चीजें समय कम है, वरना मैं बताता गणित में तुक्का कैसे लगाते हैं, क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना था। अब अगला जो आता है पर्यावरण, यह पर्यावरण ऐसा अध्याय है जिसमें अच्छे अच्छों की कमर टूट जाती है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वैसे बेसिक मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैंने यूपीएससी मेंस और एमपी का मेंस, मैं आईएएस का मेंस और एमपी का पीसीएस दोनों का मेंस लिखा है, फिर भी जब जीएस की बात आती है अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसका कोई छोर नहीं होता, चाहे जो भी हो, कितना भी प्रौढ़ी क्यों ना हो, कोई कह सकता मैं मैथ में गणित में मैं 30 में 30 अर्जित कर सकता हूँ, लेकिन जब जीएस की बात आती है, जब पर्यावरण की बात आती है, तो अच्छे अच्छे पानी मांगने लगते हैं। हो सकता है आप उसे बेहतर कर सके, नो डाउट, लेकिन अब इसमें प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो जो पर्यावरण का जो इस बार संकलन होगा प्रश्नों का, वह होगा आपके प्राथमिक कक्षाओं से। हमारा परिवेश और परख, और हमारा परिवेश और परख को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि यह देखने में जितना छोटा है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो ये देखने में जितने छोटे लगते हैं वास्तव में उतने खतरनाक परिस्थिति से निकलेंगे। और इस बार ईवीएस के जो प्रश्न आएंगे वो आपके प्राथमिक किताबों के ही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन इस बार दिवस से भी रहेंगे, दिवस में शौचालय दिवस, हाथ विश्व हाथ धुलाई दिवस, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यह आपको आधार के रूप में अतिरिक्त मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इस बार शिक्षण विधि की भी ईवीएस में बोलबाला रहेगा। यदि एक प्राथमिक विद्यालय का एक अध्यापक है, आप कक्षा में जा रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, या बच्चों को भ्रमण के बारे में बताना है, तो कैसे समझाएंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। इस बार 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से उठा के पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सीटेट पैटर्न पे ही पूरी परीक्षा प्रणाली आपकी होनी है, इसलिए आप एक बार इसे भी जरूर ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तथा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस प्रकार 150 प्रश्न आपके सामने बारी बारी से एक एक खंड करके 5 खंड से आपके पास से गुजर जाएंगे। और उर्दू का मुझे अनुभव नहीं है, मैं उर्दू के बारे में अपने कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकता। और अगर आप हर खंड से 20-20 क्वेश्चन भी अर्जित करते हैं, 20 50 100, मतलब आप जीत आपकी झोली में आ गई, क्योंकि यहाँ तो क्वालिफाई करना है, लिखित में इतिहास बनाना है, इसलिए आप अभी क्वालिफाई करिए। अगर आप चाहते हैं इतिहास बनाना, जरूर बनाएगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की है। और फिर मेरे साथ जुड़िएगा लिखित परीक्षा में, 21 तारीख से नई बैच, 21 नवम्बर से मैं प्रारंभ कर दूंगा, जो 31 दिसंबर तक 40 दिन का क्रैश कोर्स चलाऊंगा। मेरी गारंटी है सफलता आपकी झोली में मैं जरूर डालूंगा। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आंसर की जो जारी करने का मेरा प्लान है, वो भी मैं आपको परीक्षा खत्म होने के आधे से 1 घंटे के अंदर मैं अपने फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, तथा आपको मेरे व्हाट्सएप के जरिए, या आप मेरे टेलीग्राम पे इंस्टॉल करके टेलीग्राम में दुर्गेश सर सर्च करके वहां भी जुड़ के आप आंसर की प्राप्त कर सकते हैं, और अपने आप को अपनी पानी गहराई में भी नाप सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि 18 तारीख को 5 बजे मैं सोचा परीक्षा खत्म हो जाएगा, 5 बजे मैं लाइव आऊंगा और पूरे पेपर का विश्लेषण आपके साथ करूंगा, और सभी प्रश्नों को मैं वहीं देख लूंगा, कितने क्वेश्चन गलत, कितने क्वेश्चन कोड जाने लायक है। प्रयास तो सरकार यही करेगी क्वेश्चन कोड चैलेंज ना होने पाए, ताकि हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए और 6 जनवरी को लिखित परीक्षा करा के फरवरी तक हमें हमारे हाथ में क्या मिल जाएगा, आपको आपके सपनों की चाबी आपके हाथ में सरकार दे दे, अर्थात आपको आपका प्राथमिक विद्यालय मिल जाए, जहां से आप भावी अध्यापक के जो सपना देख रहे हैं वह सहायक अध्यापक के रूप में बदल सके। इसलिए आप सभी पुनः अपने पूरे जी जान के साथ लग जाइए, अभी भी आपके पास लगभग 18 घंटे शेष है, तो ये 18 घंटे इतिहास लिखने में लगा दीजिए, इबादत रचनी है, और सोना खाना पीना दीपावली होली हमारी मनाई जाएगी कब, 18 तारीख की संध्या को, उस दिन हम फोड़ेंगे पटाखे, हम बजाएंगे ढोलक, और हम
उड़ाएंगे गुलाल, क्योंकि जीत हमारी, जीत आपकी होगी। अरे जीत के सपने हम कई वर्ष, दो वर्षों से सजोते आ रहे थे। बीटीसी और बीएड करने के बाद हमने कभी नहीं देखा कि धूप है कि छांव है। हम अपने कर्तव्यों पे पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और अब आ गया समय परिणाम देने का। तो बीते 18 घंटे आपको मेरे साथ, अपने साथ, अपने परिवार के साथ लग के अपने जिंदगी का बेस्ट दीजिए और रचिएगा इतिहास। जीत आपकी होगी, जीत आपके कदमों में आएगी और देखिएगा सारी जहान। तो आप लग जाइएगा, पस्त मत छोड़िएगा, बाल काले पेन का इस्तेमाल करिएगा, किसी प्रश्न के दो उत्तर मत लिखिएगा, एक ही उत्तर लिखिएगा, तो दो उत्तर लिखने पे आपका मूल्यांकन नहीं होगा। और किसी प्रकार की कोई गलती हो, मार्कशीट भरते समय मत करिएगा कि गलती करते हैं तो परीक्षा से, परिणाम से वंचित होते हैं, माने कहीं न कहीं आप अपने आप पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए एक बार मार्कशीट लेके आप पूरा रंग लीजिएगा। और यह मार्कशीट मेरे फेसबुक पेज ई-लर्निंग पे दुर्गेश में मिल जाएगी, अथवा मेरे टेलीग्राम ऐप पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप सभी साथी जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो जरूर सा फॉलो, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक हो सके, ताकि हर व्यक्ति यह जान सके इस बार का पेपर पैटर्न कैसा आएगा। फिर पुनः आप सभी को ढेर शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, इतिहास आप रचेंगे, हम आपके साथ गुलाल उड़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।